राम राम जी। हैप्पी फैमिली सरोज की कहानी में आपका स्वागत है जी। एक दिन एक आश्रम में ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा था। ज्ञान में उसने क्या बताया, मेरे अंदर भी भगवान है, तेरे अंदर भी भगवान है, इस तरह से भी के अंदर भगवान है, चाहे वो कीड़ी मकोड़ा हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो भिखारी हो। तो एक दिन बच्चे आश्रम के बच्चे गली में जा रहे थे और आगे से एक हाथी पागल होया हुआ था, उसके ऊपर एक आदमी भी बैठा था। जो उस हाथी के ऊपर बैठा था वो बहुत जोर जोर से आवाज मार के कह रहा, भाई दूर हट लो, हाथी पागल है। सब ने पहचानता आने लग रहा था, बाज लो हाथी पागल हो लिया, हाथी पागल हो लिया। लेकिन एक बच्चा आगे खड़ा हो गया इस तरह, कहो इसके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, भगवान भगवान का क्या बिगाड़ेगा। लेकिन हाथी ने क्या पता था कि नया नया ज्ञान लेकर आया है, हाथी तल पेट का सूंड मर धू मारा भगा के, भगा का मर दिया, हड्डी पसली टूट गई। ऋषि जी ठाणाए तो बोला, बोला बच्चा आश्रम ले जाकर बोले, बच्चा ऐसा क्या हुआ? पता नहीं जी, महात्मा जी उसने तो ना मेरे को सूंड में लपेटा ठा कर भगा दिया, उसमें भी भगवान मेरे में भी भगवान। ने बोला, बेटा यह तो मंत्र तेरे याद रहेगा, उसमें भगवान मेरे में भगवान था। पहले जो उसा वो हाथी अकेला था, कोई और भी था नहीं, उसके ऊपर एक आदमी भी था। अच्छा उसने के कहा, पहले वो हाथी ने मारा, पहले आदमी बोला कि नहीं, बहुत दूर से आदमी पुकारता रहा था, दूर हो लो हाथी पागल। ने बोला, फिर बेटे उससे पहले तो भगवान उस मालिया ना उस आदमी भी बच लो, ये पागल हो गया, मेरे बस का भी नहीं रहा इस टाइम। ओहो, बात न पूरी न समझ लो, उसका अर्थ नहीं मतलब इधर दे अपने आप ही, पर उसके अंदर जाओ, उसके अर्थ भी समझो, भाई इसने के मैंने के कहा था, मैंने राम राम।